अस्सलाम वालेकुम क्लास फाइव, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू चैप्टर ऑफ योर मिड टर्म, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। द वर्क वुड बी प्रोवाइडेड टू यू, यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर टू यू। सो वॉट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड दीज वर्ड्स, एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन। What is environment? Environment is your surrounding. आपके आस पास जो भी है वो आपके environment में शामिल होगा, जिसमें जानवर, फूल, पौधे और सब पानी सब आता है। Next is pollution. Pollution जब भी किसी चीज़ में आलूदगी हो जाए, किसी चीज़ में कोई ख़राबी पैदा हो जाए जिसकी वजह से वो गंदगी वहाँ जमा हो जाए, उसको हम pollution कहते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, लैंड में, वाटर में, एयर में, कहीं भी पॉल्यूशन हो सकते हैं। अब उसके इसके लिए आप ये पिक्चर देख सकते हैं, जिसमें एक जगह बहुत साफ़ सुथरा दिखाया गया है कि हर चीज़ साफ़ है, ज़मीन पे कोई कचरा नहीं है। जबकि नेक्स्ट पिक्चर में जब आप देखेंगे पेज नंबर 117 पे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा नज़र आएगा, पानी में भी कचरा है, पूरी ज़मीन पे सब ने कचरा फैलाया हुआ है। सो जब एक जगह बहुत ज़्यादा गार्बेज की वजह से या फिर किसी भी चीज़ की वजह से गंदी हो जाए, आप उसको हम पॉल्यूशन कहेंगे। और जब सारी पॉल्यूशन मिल जाए जिसकी वजह से हमारा आबी निज़ाम ख़राब हो, ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहलाएगा। अच्छा जी, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो चीज़ जो ज़मीन में जाके ख़त्म हो जाए। जैसे इंसान, आपने देखा है कि जब किसी इंसान का इंतकाल होता है या तो फिर हम उन्हें ज़मीन के अंदर दफना देते हैं। ये हम ऐसा क्यों करते हैं कि आपको पता है थोड़े अरसे बाद वो बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसमें सिर्फ हड्डियाँ बचती हैं। ये इसलिए है क्योंकि हम जो इंसान हैं हम बायोडिग्रेडेबल हैं। इसी तरह जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होती हैं। अब इनको जब भी ज़मीन में डाला जाएगा, ये अपने जितने भी न्यूट्रिशंस हैं ये ज़मीन में दे देंगी, और उसकी वजह से हमें फ़ायदा होगा। और क्योंकि हमारी ज़मीन में सारे जब न्यूट्रिशन आ जाएंगे तो हम उसमें से ग्रो कर सकते हैं चीज़ें, वेजिटेबल्स उगा सकते हैं और जो फ्रूट्स हैं वगैरह वो सब उसमें से बहुत अच्छी तरह उग सकते हैं। तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाता है। इसलिए ही सब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको यूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये पॉल्यूशन को कम करता है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? ये टॉप पे यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैं आपको दिखा दूँ, ये पिक्चर आप देख लेगा, यहाँ पे कैंस हैं और बोटल्स हैं। कौन सा होता है भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? वो वेस्ट जिसमें वो जैसे प्लास्टिक, मेटल, सिरेमिक, ग्लास, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। अगर हम प्लास्टिक को पानी में या फिर ज़मीन के अंदर दफना दें तो इससे कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा, वो वैसा ही, वो आप उसको हज़ारों साल बाद आके देखेंगे तब भी वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, ये हमारी जो ज़मीन है इसको पॉल्यूट कर रहे हैं। अच्छा, रिसाइकलेबल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट भी होता है जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोटल्स को, पानी की ये जो प्लास्टिक की बोतल होती हैं, इनको क्रश कर लें तो हम इनका ग्लास बना के यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर को या फिर और भी कितने सारे पेपर भी रिसाइकल हो सकता है, और उसके भी काफ़ी सारे नए पेपर उससे बनाए जा सकते हैं। टिन, स्टील, मेटल हम भी रिसाइकल करते हैं और उससे भी काफ़ी सारी नई चीज़ें बनती हैं। अच्छा जी, कॉजेज़ ऑफ पॉल्यूशन, क्यों होता है पॉल्यूशन? देखें, जब भी कोई केमिकल दुनिया में मौजूद हो या फिर कोई फैक्ट्री ने किसी ने कोई चीज़ बनाई और उसके रिजल्ट में वहाँ पे केमिकल प्रोड्यूस हुआ, कोई उसका बाय प्रोडक्ट जो फालतू चीज़ है जिसका उन्हें अब कोई काम नहीं है, उनका प्रोडक्ट बन गया, वो उन्होंने बेचना, ये जो बेकार चीज़ उनको मिली है वो इसको डंप कर देंगे ज़मीन में या पानी में, और ये केमिकल्स फिर जाके हमारी ज़मीन को आलूदा करेंगे, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगी। और उस फिर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म आएंगे, फ्लाइज आएंगे, कॉकरोचेज आएंगे, रेट्स आएंगे, जो उनको खाएंगे और फिर वो पूरी दुनिया में, पूरी जो जगह है उस पर डिजीज़ फैला देंगे।
नाउ अब टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पे आते हैं. सबसे पहले है हमारे पास लैंड पॉल्यूशन. लैंड पॉल्यूशन जो ज़मीन पे गार्बेज डंप किया जाता है इसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन होती है. अब कौन या इसमें तो हम भी बहुत ज़्यादा हमारा भी बहुत ज़्यादा गलती है कि आपने कराची में ही देखा होगा कि हाउ मच पॉल्यूटेड दिस सिटी इज़. आपको जमीन रोडों पे हर जगह साइड पे कचरा नज़र आता है. तो ये और इसके अलावा जो हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड क्या होते हैं, जब आपको ग्रो करना होता है अपना खेती जो आपकी होती है उसको आप ग्रो करते हैं तो उसमें आप हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है हेल्थ के लिए. जब आप वो उस चीज़ से ग्रो किया हुआ खाना आप खाएंगे तो फिर आपकी सेहत के लिए बहुत ख़राब होगा. नाउ नेक्स्ट इज़ एयर पॉल्यूशन. व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं.